उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार सिंह हिंदी का अध्यापक हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले जिस प्रकार साहित्य और इतिहास के अंतर संबंध, हिंदी साहित्य लेखक काल विभाजन और नामकरण की समस्या आदि पर विचार करना जरूरी था, उसी प्रकार से यह भी जानना जरूरी है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत होने के ठीक पहले किस प्रकार का साहित्य किस प्रकार की भाषा में लिखा जा रहा था। हिंदी साहित्य और उसके इतिहास का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाता है, पर हिंदी के कुछ विद्वान, खासकर आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और पंडित राहुल संकरतान, इसका समय और भी पीछे खींचकर ले जाते हैं और इसका आरंभ ये 7वीं से 8वीं शताब्दी मानते हैं। इसका कारण ये है कि वे अपभ्रंश साहित्य की गणना भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही करते हैं और अपभ्रंश के कवि स्वयंभू तथा पुष्पदंत को हिंदी का प्रारंभिक कवि मान लेते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ और काल विभाजन का संबंध इस बात पर काफी निर्भर है कि अपभ्रंश साहित्य से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाए या नहीं। हमने इस प्रश्न पर काल विभाजन और नामकरण संबंधी इकाई में आपसे विचार किया था और यह स्थापित तथ्य आपके सामने भी रखा था। अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाना चाहिए, न कि हिंदी साहित्य के अंग के रूप में। हिंदी साहित्य और उसके इतिहास क्रम में अपभ्रंश साहित्य की बार बार चर्चा होती है, अतः इसमें यह जानना और समझना जरूरी है कि अपभ्रंश साहित्य का संबंध, अपभ्रंश साहित्य का उद्भव और विकास पे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, अपभ्रंश का जो सामान्य अर्थ होता है भ्रष्ट, विकृत या अशुद्ध है। इस नाम का प्रयोग सबसे पहले उस शब्द के लिए होता था जो भाषा के सामान्य मानदंड से गिरा होता था। आरंभ में संस्कृत के विकृत शब्द के लिए संस्कृत के विद्वान भृतहरि और पतंजलि ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। धीरे धीरे इस नाम का अर्थ विस्तार होता गया और यह भाषा विशेष के लिए प्रयुक्त होने लगा। भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6ठी शताब्दी ईसा के आसपास मिलता है। भारतीय आर्य भाषा के विकास में अपभ्रंश प्राकृत के बाद की अवस्था है। इस भाषा में 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच साहित्य का सृजन हुआ। अपभ्रंश भाषा को समझने के लिए हम आर्य भाषा के विकास को जानना जरूरी होगा। अपभ्रंश भाषा को समझने के लिए भारतीय आर्य भाषा के विकास को जानना जरूरी है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि भारतीय आर्य भाषा को हमने 3 भागों में बांटा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है। इसमें 2 भाषाएं आती हैं, छंदस और संस्कृत। छंदस को हम वैदिक संस्कृत कहते हैं और संस्कृत को लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों की रचना की गई, उसी छंदस के बाद संस्कृत का विकास होता है जिसको हम लौकिक संस्कृत कहते हैं, पुराण आदि उसमें रचे गए। फिर संस्कृत के बाद पाली यानी बौद्ध धर्म का उदय होता है और 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक का समय पाली है, बौद्ध धर्म की पाली भाषा में रचना की गई है। 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक प्रकृत का समय रहता है और 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय है और 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक का जो समय है वह हिंदी का है। यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय 1000 ईस्वी से लेकर आज तक है। दोस्तों, जब कोई एक साहित्यिक भाषा होती है तो उसके समानांतर एक दो भाषाएं, 3 भाषाएं भी उसके समानांतर चलती रहती हैं। जिन उन समानांतर भाषाएं जो लोक भाषाएं होती हैं उन्हीं लोक भाषाओं से वह साहित्यिक भाषा जो है ऊर्जा ग्रहण करती रहती है।
लेकिन जो साहित्यिक भाषा होती है उसमें धीरे धीरे व्याकरण के नियमों के द्वारा उसको ऐसा कस दिया जाता है, ऐसा क्लिष्ट बना दिया जाता है कि वह सामान्य जन से धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो वह जब धीरे धीरे दूर होने लगती है तो जो लोक भाषाएं होती हैं वह सामान्य रूप से लोगों द्वारा ग्रहण की जाती रहती है, और वही जो सामान्य भाषा है वह एक समय आता है कि वह साहित्यिक भाषा बन जाती है। तो जब छंदस देश की साहित्यिक भाषा थी, वेद वगैरह रचे जा रहे थे, तो वह संस्कृत से रस और ऊर्जा लेकर के वह छंदस का विकास चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे छंदस इतना कठिन हो गया, वैदिक संस्कृत इतना टफ बना दिया गया कि वह संस्कृत जो है सामान्य जन की भाषा हो गई। फिर संस्कृत के साथ भी ऐसा होता है, वह कठिन हो जाती है और वह विद्वानों और यहाँ तक वह पंडितों की भाषा हो जाती है। फिर सामान्य जन में जो पाली समानांतर उसके पैरल में चलती रहती है उसको साहित्यिक भाषा बना दी जाती है। फिर पाली के साथ यही होता है प्रकृत भाषा आती है, प्रकृत के साथ भी यही होता है भ्रंश भाषा आती है, और भ्रंश के साथ भी यही होता है हिंदी भाषा आ जाती है। हिंदी के साथ अन्य भाषाएं भी आती है, सिंधी आती है, गुजराती आती है, पंजाबी आती है, कई भाषाएं आती हैं, सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो हमने देखा कि अपभ्रंश जो है किससे निकली है, प्रकृत से निकली है, और अपभ्रंश से जो है हिंदी निकली है, यानी कि हिंदी की जननी जो हुई वह अपभ्रंश भाषा हुई। अब हम जब अपभ्रंश भाषा हम समझ गए कि हिंदी के पूर्व की जो साहित्यिक भाषा है उसे हम अपभ्रंश कहते हैं, उसी अपभ्रंश से हिंदी, सिंधी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाएँ जो आधुनिक आर्य भाषा की हैं निकली हुई है। अब अपभ्रंश के साथ कुछ शब्द ऐसे जुड़े हुए हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है, उन शब्दों को हम थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अपभ्रंश और देशज भाषा, दूसरा है अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, तीसरे में अवहट, अवहठ, अवहट, अवहंस और अवहत, यह सब एक ही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर है, उनको हम क्लियर कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। पहला है अपभ्रंश और देशज भाषा, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। संस्कृत के जो आचार्य और अपभ्रंश कवियों ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू और पुष्पदंत ने अपनी भाषा को ग्रामीण भाषा अथवा देसी भाषा कहा है, यानी कि जो अपभ्रंश के ही विद्वान थे वह स्वयं अपनी भाषा को देश भाषा या ग्रामीण भाषा या देसी भाषा कहते थे। प्रत्येक युग में एक साहित्यिक भाषा होती है और अनेक भाषाएँ उसमें लोक भाषाएँ के रूप में चलती है। इन्हीं लोक भाषाओं से साहित्य भाषा का जीवन रस प्राप्त करती है और इस प्रकार यह जीवंत बनी रहती है। जब साहित्यिक भाषा जनता से दूर हटती है और केवल पंडितों की भाषा रह जाती है तब वह भाषा मृत हो जाती है और उसका स्थान कोई लोक भाषा ले लेता है। आगे चलकर यही लोक भाषा साहित्यिक भाषा बन जाती है और भाषा के विकास का यह क्रम लगातार चलता रहता है। वैदिक काल में छंदक साहित्य थी और संस्कृत लोक भाषा, बाद में छंदस ने लोक भाषा से शक्ति अर्जित की और संस्कृत के रूप में नई साहित्यिक भाषा सामने आई। जब संस्कृत साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी उस समय प्राकृतिक लोक भाषा के रूप में इसके समानांतर चल रही थी। जब संस्कृत पंडितों की भाषा रह गई और जनता से उसका संपर्क टूट गया तब प्राकृत ने धीरे धीरे साहित्यिक भाषा का रूप ले लिया। इसी प्रकार प्राकृतिक रूढ़ और बद्ध हो गई तब अपभ्रंश साहित्यिक भाषा के रूप में सामने आई। आगे चलकर अपभ्रंश का युग भी समाप्त हुआ और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में साहित्य की रचना की जाने लगी। पर अपभ्रंश को देश भाषा कहा जाए या नहीं इस पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान जैसे पिसेल, ग्रियर्सन और सुनीत कुमार चटर्जी आदि अपभ्रंश को देश भाषा मानते हैं, जबकि यकोबी, कीथ, जूल, बलाक आदि विद्वान अपभ्रंश को देश भाषा नहीं मानते हैं। पर जो लोग यह नहीं मानते हैं कि अपभ्रंश देश भाषा थी वे भी इतना अवश्य स्वीकार करते हैं कि अपभ्रंश में देश भाषा का अनिवार्य तत्व मौजूद है। अतः हम यह कह सकते हैं कि साहित्य प्राकृत का देसी भाषाओं के साथ संपर्क हुआ है और इस प्रकार भारतीय आर्य भाषा की अपभ्रंश अवस्था की शुरुआत हुई है। इसी सिलसिले में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तो वह क्या थी, वह भाषा देश भाषा कहलाती रही, परंतु जब वही साहित्यिक भाषा हो गई तब उसे हम अपभ्रंश शब्द का व्यवहार करने लगे।
यानी कि अपभ्रंश और देश भाषा में यही है कि जब तक हम इसको साहित्य के रूप में नहीं ले रहे थे तो उसको हम देश भाषा कह रहे थे, और जब उसी को हम साहित्यिक उसमें साहित्य की रचनाएं होने लगी तो उन्होंने एक सुव्यवस्थित नाम अपभ्रंश नाम दे दिया गया। अब आता है दूसरे नंबर पर अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी। तो हमने अभी पहले में आपको बताया कि देश भाषा जब वह क्या थी, व्यवहार में थी, तो देश भाषा, और जब साहित्यिक रचनाएं होने लगी तो अपभ्रंश हो गई। तो यानी कि अपभ्रंश का कंसेप्ट आप यहाँ क्लियर हो गया है। अब बचा आपका अवहट्ट और पुरानी हिंदी। तो हमने आपको बताया कि अपभ्रंश का विकास प्राकृत के बाद हुआ है, यानी कि अपभ्रंश पर जब तक प्राकृत का प्रभाव था तब तक वह दूसरी थी, लेकिन जब अपभ्रंश पर हिंदी का प्रभाव यानी तत्सम शब्दों का उसमें प्रभाव बढ़ने लगा तो उसको हम अवहट्ट या पुरानी हिंदी कहने लगे। तो इसमें अंतर थोड़ा सा यही है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में कि अपभ्रंश पे जो शुरू का जो था प्रकृत का जो प्रभाव था तो उसे अपभ्रंश कहते हैं। शुक्ल जी ने इसको कहा भी है, अपभ्रंश को उन्होंने प्राकृत भाषा कहा है, यानी जिसमें प्रकृत भाषा का थोड़ा सा आभास हो उसको हम अपभ्रंश कहते हैं, और जिस पर तत्सम शब्दों का प्रभाव हो जाता है उसको अवहट्ट या हम पुरानी हिंदी कहते हैं। तो अपभ्रंश को हिंदी साहित्य में शामिल किया जाए या नहीं, इस संबंध में विद्वानों के बीच में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ विद्वान जैसे पंडित राहुल संकरतान और चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश को हिंदी में शामिल करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। हिंदी साहित्य के आरंभ का विवाद भी इसी प्रश्न से संबद्ध है, इसीलिए इस भाग में हम अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। आप तो इतना समझ गए होंगे कि अपभ्रंश का प्राकृत प्रभाव काफ़ी स्पष्ट था, उसी प्रकार जैसे संस्कृत पर छंदस का प्रभाव, इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा हिंदी कहते हैं। तीसरे नंबर पर हम आते हैं अवहट्ट, अवहत्थ, अवहत्थ, अवहंस और अवहत्थ क्या है। तो प्राकृत और अपभ्रंश ग्रंथों में अपभ्रंश कई नाम मिलते हैं, जैसे अवहट्ट, अवहत्थ, अवहंस, अवहत्थ आदि। इस अर्थ में अवहट्ट अपभ्रंश का पर्याय है, पर ऐसी बात नहीं है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका को अवहट्ट कहा है। उनकी एक पंक्ति है जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, देसिल बवना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्ठा। अर्थात इसका अर्थ यह है कि देसी भाषा जो बोलचाल की भाषा होती है सबको मीठी लगती है। वह कहते हैं कि मैं वैसे ही अवहट्ट में अपनी कविता कहता हूँ। स्पष्ट है कि विद्यापति ने देसी भाषा मिश्रित परवर्ती अपभ्रंश को अवहट्ट कहा है, जिसे परवर्ती अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहते हैं। अपभ्रंश को दो भागों में बांट लेते हैं, परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती यानी जिस पर प्रकृति का आभास है, जिसको शुक्ल जी कहते हैं, और दूसरा है पूर्ववर्ती अपभ्रंश, जिसको हम पुरानी हिंदी यानी कि तत्सम शब्दों का प्रभाव बढ़ता है। जिस अहमद मार ने इसको पुरानी हिंदी सबसे पहले, और ज्योतिषर ठाकुर ने इसका नाम सबसे पहले पुरानी हिंदी कहा था। और विद्यापति की जो रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका है उसमें भी उन्होंने इसको अवहट्ट में ही कहा है। अब हम आपको अपभ्रंश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कुछ विद्वान छंदस से अपभ्रंश तक का विकास प्रक्रिया नहीं मानते हैं। उनके अनुसार यह प्रदेश विशेष की बोली थी जिसका अस्तित्व प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के युग में भी था। हम इस विवाद में पड़े बिना उन ऐतिहासिक कारणों की खोज करेंगे जिसके कारण अपभ्रंश व्यापक साहित्यिक भाषा के रूप में सामने आया है। तो हम देखते हैं कि जिस समय यानी कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में अपभ्रंश साहित्य के रूप में सामने आ रहा था, उसी समय बंगाल में पालों और मान्यखेट में राष्ट्रकूटों की शक्ति मजबूत हो रही थी। पाल और राष्ट्रकूट राजाओं ने अपभ्रंश के कवियों को संरक्षण दिया तथा सरह और कण आदि 84 सिद्ध कवि पालों के शासनकाल में हुए। पुष्पदंत और स्वयंभू जैसे अपभ्रंश के कवि राष्ट्रकूटों की छत्र छाया में काव्य रचना प्रस्तुत कर रहे थे। 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीण पड़ने लगी और गुजरात में सोलंकी चालुक्यों का प्रभाव बढ़ने लगा। सोलंकी चालुक्यों ने भी अपभ्रंश काव्य को प्रोत्साहित किया। इन्हीं कारणों से अपभ्रंश साहित्य का निर्माण विस्तृत भूभाग में शुरू हुआ। तो एक ओर बंगाल में सरह और कड़ह तो इसी प्रकार दोहों का निर्माण कर रहे थे, तो मिथिला में ज्योतिषर ठाकुर और विद्यापति अपनी रचना प्रस्तुत कर रहे थे। दूसरी ओर मुल्तान में अदा अमाड़ ने इसी भाषा को
अपनी काव्य का माध्यम बनाया। पुष्पदंत और स्वयंभू ने इसी भाषा को काव्य के लिए चुना, पर इन सभी कवियों की भाषा में भेद था। इसका कारण था स्थानीय बोली का प्रभाव। कवि जिस प्रदेश में रचना कर्म कर रहा था वहीं की स्थानीय बोली का प्रभाव उनकी रचनाओं पर पड़ रहा था। इस प्रकार अपभ्रंश के कई रूप स्थान के भेद के कारण सामने आते हैं। स्थान भेद के आधार पर अपभ्रंश को पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी अपभ्रंश के अंतर्गत जैन कवियों की रचनाएं और पूर्वी अपभ्रंश के अंतर्गत नाथ सिद्धों की रचनाओं को रखा जाता है। काल भेद के आधार पर भी अपभ्रंश के दो भेद किए गए हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। पूर्ववर्ती अपभ्रंश का काल 10वीं शताब्दी के बाद माना जाता है और परवर्ती अपभ्रंश को अवहट्ठ या देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश भी कहते हैं। इसी परवर्ती अपभ्रंश से आधुनिक बोलियों का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ है। अपभ्रंश साहित्य का थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। अपभ्रंश साहित्य में आपको बताया गया है कि स्वयंभू जो है अपभ्रंश का पहला कवि है। कुछ विद्वानों ने इन्हें हिंदी का भी पहला कवि मान लिया, लेकिन यह अपभ्रंश के पहले कवि हैं। इनकी तीन प्रमुख रचनाएं हैं पौमचर्यु, ऋठरेणीचर्यु और स्वयंभू छंदस। पौमचर्यु को पद्मचरित या रामचरित भी कहा जाता है और ऋठरेणीचर्यु को अष्टनेमचर्यु या हरिवंश पुराण कहा जाता है। स्वयंभू छंदस इनकी तीसरी रचना है। पौमचर्यु इनका अधूरी रचना है, इसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पौराणिक कथानकों को लेकर के जैन कवियों ने अपभ्रंश में काफ़ी मात्रा में प्रबंध काव्य साहित्य लिखे हैं। इन रचनाओं में धर्म, उपदेश तथा साहित्य तीनों का मिश्रण मिलता है। इस धारा के प्राचीन और श्रेष्ठ कवि स्वयंभू ही हैं। उनकी जो पौमचर्यु है या रामचरित पर आधारित है और इनके विख्यात होने का भी सबसे बड़ा कारण यह पौमचर्यु ही है। पौमचर्यु कुल 5 खंडों तथा 83 सर्गों वाला एक विशाल महाकाव्य है। इसमें राम काव्य लिखने से पूर्व स्वयंभू अपने उद्देश्य स्पष्ट कर देते हैं। वह इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं जनता की भाषा में जनता के लिए काव्य का निर्माण कर रहा हूँ। राम का चरित्रांकन करते समय न तो उन्होंने उनके आदर्शों के दामन को पकड़ा है और न ही उसमें किसी प्रकार की अलौकिकता का समावेश किया है। उन्होंने अपने मुख्य चरित्र राम को एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है जो अपवादों के खिलाफ लड़ता है और जिसमें सहज मानवीय दुर्बलताएं भी हैं। तुलसीदास के राम और स्वयंभू के राम में सबसे बड़ा फर्क यही है। तुलसी के राम भगवान के अवतार हैं तथा पूज्य हैं, लेकिन स्वयंभू के राम साधारण मनुष्य हैं जो सीता को पाने के लिए रोते हैं, रावण जैसे पराक्रमी राजा से संघर्ष कर उसे प्राप्त करते हैं। वही राम सीता को प्राप्त कर उन्हें संदेह की नज़र से भी देखते हैं और उन्हें अग्नि परीक्षा देने के लिए विवश भी करते हैं। जब राम लंका विजय करके वापस अयोध्या आ रहे थे तो सीता पुष्पक विमान पर चढ़कर बड़े अनुराग से अयोध्या आती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें विद्वानों का समूह घेरे हुए रहता है तथा सीता को यह कोसल नगरी पराई लगने लगती है, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद भी उन्हें महल में जगह नहीं दी जाती है। पति जो राम है वह आराम से महल में निवास कर रहे हैं और सीता पत्नी होकर भी उपवन में रात गुजार रही हैं। सुबह होने पर राम सीता को देखते हैं तथा सीता अग्नि परीक्षा के लिए बरसात पर बैठी हैं। इसी समय राम सीता को और सीता राम को देखती हैं। दोनों की आंखों में मिलने की आकांक्षा है, वैसे ही जैसे समुद्र जो होता है शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन में चांद को देख करके विचलित हो जाता है। पर इसी समय राम व्यंग से मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि ऐसी पत्नी को कैसे स्वीकार किया जाए जो कि 12 वर्षों तक दूसरे पुरुष के अधीन रही हो। राम धिक्कारते हुए कहते हैं कि
कि नारी अशुद्ध होती है, निर्लज्ज होती है और मलिन नामित होती है। त्रिभुवन में अपने अपने कुल को मलिन करने का आशय अपयश फैलाती है। इस भाग के शुरू में ही हम आपको बता दिए थे कि स्वयंभू ने जो राम और सीता का वर्णन किया वह एक साधारण मनुष्य के रूप में किया है। स्वयंभू को इनकी स्वाभाविक चित्र खींचने में अपूर्व सफलता भी मिली है। स्वयंभू के राम काव्य में अनेक धार्मिक प्रसंग हैं जिन्हें पढ़कर पाठक भावुक हुए बिना नहीं रह पाते हैं। इसमें आहत लक्षण के लिए राम का विलाप और मृत रावण के लिए विभीषण का विलाप यह दो प्रमुख जगह हैं। और स्वयंभू की जो प्रसिद्धि का कारण वह पौन चरी ही है, उसके बाद रिठ ऋण चरी और स्वयंभू छंदस आता है। तो अपभ्रंश साहित्य के जो दूसरे प्रमुख कवि हैं वह पुष्पदंत हैं। उनकी रचना आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि पुष्पदंत की जो रचना महापुराण और जसहर चरियु है। उसके बाद अन्य विद्वान हैं, थोड़ा सा इनके पुष्पदंत के प्रमुख विद्वान इनकी चर्चा कर लेते हैं। पुष्पदंत अपभ्रंश के दूसरे बड़े कवि हैं। यह जात से ब्राह्मण थे और बरार नामक स्थान पर इनका जन्म 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इनका अधिकांश समय राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेट में बीती थी। पुष्पदंत शुरू में शैव थे, बाद में यह जैन धर्म अपना लिए थे। यह कट्टर जैनी माने जाते हैं, इसीलिए जो महापुराण में इन्होंने रचना की है इसमें राम और कृष्ण के प्रति इन्होंने अन्याय कर गया है। यहाँ पर इन्होंने विशेष रूप से ऋषभ देव की इसमें चर्चा की है। राम के लिए तो इनमें एकदम भी साहित्यिक रचना नहीं है, लेकिन कृष्ण का थोड़ा महापुराण में थोड़ा इन्होंने उसके बाल्य रूप का वर्णन किया हुआ है। पुष्पदंत की प्रसिद्धि का आधार भी यही रचना महापुराण ही है। इसमें इन्होंने राम कथा और कृष्ण कथा और जैन तीर्थकारों की जीवन गाथाओं को शामिल किया है। कट्टर जैन धर्मावलंबी होने के कारण उन्होंने स्वभावतः राम और कृष्ण कथा की उपेक्षा कर दी है और ऋषभ देव को अधिक स्थान और महत्व दिया है। पुष्पदंत का काव्य कौशल राम काव्य में प्रकट नहीं हो सका है, पर कृष्ण की बाल लीला का वर्णन उन्होंने बड़ी कुशलता से किया है। पुष्पदंत के कृष्ण जो हैं अन्य कृष्ण भक्त कवियों के की अपेक्षा काफी नटखट हैं। स्वयंभू पुष्पदंत अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने अपभ्रंश की भाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान की है। डॉक्टर नामोर सिंह ने इनके बारे में कहा है कि स्वयंभू और पुष्पदंत दोनों ही कवि अपभ्रंश साहित्य के सिरमौरे हैं। यदि स्वयंभू में भावों का सहज सौंदर्य है तो पुष्पदंत में बंकिम भंगिमा है। स्वयंभू की भाषा में प्रच्छन्न प्रवाह है तो पुष्पदंत की भाषा में अर्थ गौरव की अलंकृत झांकी मिलती है। एक सादगी का अवतार है तो दूसरा अलंकरण का उदाहरण है। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरे जो प्रमुख कवि हैं धनपाल। धनपाल की रचना भविष्यत कहा है। धनपाल की रचना भविष्यत कथा है। यह अपभ्रंश में रचित एक कथा काव्य है। इसमें श्रुति पंचमी के व्रत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस कृति के रचयिता धनपाल हैं। यह जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। कहा जाता है कि कवि धनपाल को सरस्वती का वरदान भी प्राप्त था। धनपाल की केवल एक ही रचना है भविष्यत कहा। राहुल संकृत्यायन ने इस कृति की रचना 10वीं शताब्दी मानी है। यह कृति 22 सर्गों में रचित है। इस रचना में हस्तिनापुर के एक दंपत्ति धनपति तथा कमलश्री के पुत्र भविष्यदत्त की कथा है। इसमें भविष्यदत्त के सौतेले भाई बंधुदत्त तथा बंधुदत्त द्वारा उसे धोखा देकर सारी संपत्ति हड़पने के बाद में भविष्यदत्त के सच चरित्र तथा वीरता के कारण गजपुर के राजा द्वारा जंदुदत्त को दंडित कर भविष्यदत्त से अपनी बेटी के विवाह की कथा है। यह कृति 14 सर्गों में विभक्त है। विवाह के पश्चात भविष्यदत्त को मुनि विमल बुद्ध उपदेश देते हैं तथा उन्हीं के माध्यम से उसे अपने पूर्व जन्म की कथा का पता चलता है। अंत में भविष्यदत्त तपस्या करके निर्वाण की प्राप्ति करता है। अगली रचना अब्दुल रहमान की संदेश रासक है। संदेश रासक एक संदेश काव्य है जिसके रचयिता अब्दुल रहमान हैं। इन्हें अब्दुल रहमान भी कहा जाता है। इनका समय 12वीं शताब्दी है।
इसमें विजयनगर की वीरहाणी नायिका एक पथिक से पति को संदेश भेजती है। इसमें 223 छंद हैं। हालांकि कवि ने इसमें एक कथा कही है, पर इसका प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र है। कवि का उद्देश्य कथा कहना नहीं है, उसका एक ही उद्देश्य है, नायिका का विरह वर्णन। नायिका एक पथिक को रोककर अपने हृदय की व्यथा सुनाती है। विरह के नायिका पथिक से कहती है कि मैं अपने व्यथा सविस्तार नहीं सुना सकती, क्योंकि मैं बहुत ही कमज़ोर हो गई हूँ। इस प्रकार पूरा संदेश रासक जो है विरह वर्णन से भरा पड़ा है। इसमें ऋतुओं का वर्णन विस्तार से किया गया है। इस कवि के सामने वस्तुओं के नाम गिनाने की कवि परिपाटी भी थी। फलतः कवि ने वनस्पतियों की नामावली दी है। दीपावली, होली आदि उत्सवों का तन्मयता से वर्णन किया है। कीर्ति में अनेक छंदों का प्रयोग है, पर सर्वाधिक रासक छंद का प्रयोग मिलता है, इसीलिए इसका नाम संदेश रासक भी पड़ा है। इसे पढ़ते समय कालिदास के मेघदूत का विरह वर्णन याद आता है। हिंदी में भी इस प्रकार का एक ग्रंथ लिखा गया है, विशल देवरासो, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद आता है जोइंदु का परमात्म प्रकाश और योगसार, और राम सिंह का पाहुड़ दोहा। यह तीनों रचनाएं आपस में मिलती हैं। अपभ्रंश के निर्गुण काव्य लिखने वाले कवियों में जोइंदु का स्थान सर्वोपरि है। जोइंदु की रचना 10वीं शताब्दी के आसपास की है, जो परमात्म प्रकाश और योगसार है, और 11वीं शताब्दी में राम सिंह की पाहुड़ दोहा है। पाहुड़ दोहा जो है परमात्म प्रकाश और योगसार से श्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें लोक जीवन की घटनाओं के माध्यम से तत्व ज्ञान की बात आसानी से समझाई गई है। पाहुड़ दोहा का शाब्दिक अर्थ होता है दोहे का उपहार। पाहुड़ का अर्थ ही होता है उपहार, यानी दोहे का उपहार। पाहुड़ का संस्कृत रूपांतरित प्रभुत्व है, जिसका अर्थ होता है उपहार। पाहुड़ दोहा में राम सिंह ने पुराण संबंधी पुराणपंथी रूढ़वादी प्रवृत्ति का विरोध किया है। उन्होंने उस वाद्य दर्शन का विरोध किया है जो एक ही ईश्वर के छह भेद कर देता है। छह दर्शन के धंधे में पड़कर मन की भ्रांति न टूटी, एक देव में छह भेद किए, इसी कारण मोक्ष नहीं मिलता है। यह शास्त्र विरोधी विरोध वस्तुतः उन्होंने पुरोहितों और पंडितों पर सीधा प्रहार करने के लिए किया था। उन्होंने कोरे अक्षर के ज्ञान का भी विरोध किया है। राम सिंह अपने पाहुड़ दोहा में धार्मिक बायोडंबरों का विरोध करते हुए लिखते हैं कि जो इनमें फंस गया वह मूल तक कभी नहीं पहुंच सकता है। मनुष्य पवित्र रहकर ही परम पद प्राप्त कर सकता है। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा आदि को पकड़ना तो उसी प्रकार है जैसे जड़ को छोड़ करके डाल को पकड़ लेना। इसी उद्देश्य से यह राम सिंह दोहा की एक रचना है। मूल छाड़ी जो डाल चढ़ी, कहत जोया भयास, चीरुण वरुण जाई बड़ विण उदित कपास। जड़ को छोड़कर जो डाल पर बैठता है उसके लिए योग अभ्यास कहाँ है? क्या रुई को ओटे के बिना कपड़ा बुना जा सकता है? इसी दोहे में राम सिंह ने अस्पष्ट शब्दों में उन रूढ़ियों और आचरणों पर प्रहार किया है जो वास्तविक ज्ञान तक लोगों को नहीं पहुंचने देता है। अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। जीवन से ही मनुष्य असली ज्ञान प्राप्त करता है। यह अनुभव शरीर के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसी कारण जैन मुनियों ने शरीर को मंदिर भी कहा है। इस शरीर में ही परमात्मा का निवास होता है। अगली जो रचना है हेमचंद्र की शब्दानुशासन। शब्दानुशासन को अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इसका पूरा नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है। किंतु विशेष बात यह है कि अपभ्रंश का उदाहरण देते समय उन्होंने पूरा का पूरा दोहा उदाहरण किया है। उन्होंने अपभ्रंश के जिन दोहों को उदाहरण किया है उनके रचयिताओं के बारे में ठीक से कुछ मालूम तो नहीं हो सका है। विद्वानों का अनुमान है कि ये रचनाएं हेमचंद के व्याकरण से पहले की है।
हेमचंद, व्याकरण में जो अपभ्रंश दोहे संकलित हैं उनमें अपभ्रंश के श्रृंगार और वीर काव्य का परिचय मिलता है। नायिका कभी यह नहीं चाहती कि उनका पति लड़ाई के मैदान में जान बचाकर भाग जाए और उसे सखियों के सामने लज्जित होना पड़े। वह तो यह चाहती है कि इसमें तो अच्छा है कि उनका पति युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो ताकि वह समाज में गर्व से जी सके। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, भला हुआ जू मारिया बिहिण म्यारा कंतु लज्जे तू वसिंधु जय भग घरु एंतु। अर्थात भला हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया, हे वहीन यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपने समवयस्कों के सम्मुख लज्जित होती। हेमचंद्र के अपभ्रंश के उदाहरण इस प्रकार की लोक भावनाओं से भरे पड़े हैं। नायिका वीरपति की कामना करती है, ऐसे वीरपति की जो मतवाले हाथी से जूझने में भी न हिचके। उनका एक उदाहरण है, आयह जम्मही उन्नई की गोरी सुदिज्जय कंतु गए महंत चंत कुहस जो अभिबड़ई हसंतु। नायिका पार्वती से प्रार्थना कर रही है, हे गौरी इस जन्म में और दूसरे जन्म में भी ऐसा पति दीजिए जो मतवाले निरंकुश हाथियों से हंसता हुआ जा भिड़े। जिस समय अपभ्रंश काव्य लिखा जा रहा था उस समय भारतीय राजवाड़े सामंतवाद की विकृतियों से ग्रस्त थे तथा देश बाहरी आक्रमणों को झेल रहा था। स्थिति में इतनी गिरावट आ गई थी कि नायिका अपने प्रिय से कहती है कि उस देश में चले जहाँ तलवार की का व्यवसाय मिले, अगर हम यहाँ रहे तो हमारे अंग शिथिल पड़ जाएंगे और हम अस्वस्थ हो जाएंगे। नायिकाएं वीरपति की कामना करती हैं। इस प्रकार अगली रचना विद्यापति की कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका है। तो आपने यह अपभ्रंश के जो प्रमुख साहित्य थे उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। और अपभ्रंश साहित्य की यह प्रमुख रचनाएं थी जिसमें स्वयंभू का पौमचर्यु ऋठरेणीचर्यु और स्वयंभू छंदसा तथा पुष्पदंत का महापुराण एवं जसहरचर्यु है, देवसेन का श्रावकाचार, अब्दुल रहमान का संदेश रासक और जोइंदु का परमात्म प्रकाश योगसार और हेमचंद का शब्दानुशासन एवं विद्यापति का कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका। तो अपभ्रंश साहित्य में इतनी ही चीज़ें थी। अपभ्रंश साहित्य का अर्थ, उसका इतिहास एवं उसकी उत्पत्ति तथा उसके प्रमुख साहित्य और साहित्यकारों के बारे में बता दिया गया है। धन्यवाद।